गुलबर्गा शहर में कर्नाटका कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी चेयरमैन अब्दुल जब्बार एमएलसी की विजिट पर कांग्रेस पार्टी लीडर बिजनेसमैन और उलमा इकराम ने नॉर्थ एमएलए कनिष फातिमा से नाराजगी जाहिर कर एक मर्द को कांग्रेस एमएलए टिकट देने का मुतालिबा किया है। इस मौके पर स्टेट माइनॉरिटी चेयरमैन के साथ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल के जिम्मेदार अब्दुल जब्बार साहब के साथ इस मीटिंग में मौजूद थे। तमाम की मौजूदगी में कनिष फातिमा की कमजोर लीडरशिप को जाहिर कर मर्दाना क़यादत की मांग की गई है। इस मीटिंग में एमएलए कनिष फातिमा से नाराज बाबा नजर मोहम्मद खान के अलावा कई कांग्रेस लीडर्स, शहर के मोतेबर बिजनेसमैन उलमा इकराम और दीगर कई शहर के जिम्मेदार मौजूद थे। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए चार नाम दिए गए, जिसमें ज्यादातर लोगों ने लियासत बागबान के लिए टिकट की ख्वाहिश की है। तमाम बिजनेसमैन उलमा इकराम और दीगर कांग्रेस लीडर्स ने 5 सालों में कनिष फातिमा की कमजोर लीडरशिप की वजह से हुए नुकसान गिनाते हुए कहा, एनआरसी, हिजाब, हलाल कट, अजान, मस्जिद दरगाह की हिफाजत और दीगर कई इश्यूज पर एमएलए कनिष फातिमा खामोश नजर आई हैं। इलियासेट बागबान ने ऑनलाइन कांग्रेस पार्टी में मेंबरशिप दाखिल कर एमएलए टिकट के लिए गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए टिकट की ख्वाहिश की है। एमएलए कनिष फातिमा से नाराजगी जाहिर कर तमाम लोगों ने कहा, खमर इस्लाम की मोहब्बत में कनिष फातिमा को एमएलए बनाया गया था, लेकिन इसका खामियाजा पूरे गुलबर्गा नॉर्थ के मुसलमानों को भुगतना पड़ा है। जिस तरह से बीजेपी लगातार मुसलमानों को टारगेट कर एक के बाद एक जुल्म करते जा रही है, इससे लड़ने के लिए एक मजबूत मर्द क़यादत की ज़रूरत है जो तमाम इश्यूज पर मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सके। तमाम लोगों की नाराजगी को सुन माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल जब्बार ने कहा, नेशनल कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से यह शिकायत कर कनिष फातिमा को कॉन्फिडेंस में लेते हुए अपनी बात रखी जाए, जिससे पार्टी का नुकसान ना हो सके। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road, Gulbarga. जो मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी, इसके अलावा भी शहर में ये बात चल रही है कि एक मर्द की क़यादत की ज़रूरत है। कांग्रेस को चाहिए कि एक मर्द क़यादत को टिकट दे ताकि वो जीत करा सके, क्योंकि मैडम के खिलाफ कई सारे लोग नाराज नजर आ रहे हैं। देखो, हमारी पार्टी की क़यादत आज इस मुल्क में खड़गे साहब के हाथ में है। खड़गे साहब गुलबर्गा ज़िले के लीडर हैं, गुलबर्गा ज़िले से तल रखते हैं। पिछली बार भी खड़गे साहब ही उनको टिकट देकर जीता को ले ले गए थे। इस बार फैसला उन्हीं के हाथ में रहता, मैं वही उनके लोगों से तो दरख्वास्त करा सो, इसमें तुम्हें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाने की ज़रूरत नहीं है। बैठ को बात कर को तुम एक दिल्ली से ये फैसला कराने की कोशिश करो, और करने वाले फैसला कौन? खड़गे साहब ही किच, या कौन भी दूसरे नहीं कर सकते। ये फैसला सिवाय खड़गे साहब के कोई नहीं कर सकता। आप स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैं, जिस तरह से बीजेपी हर आए दिन माइनॉरिटी को टारगेट करते आ रही है, कई ऐसे इश्यूज हैं कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत में आने के बाद कई ऐसे इश्यूज को टारगेट करते हुए माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया गया। आज माइनॉरिटी कांग्रेस से भी नाराज हैं कि कांग्रेस से कोई माइनॉरिटीज़ के लिए बात नहीं कर रहा है। अब जब बात टिकट की आ रही है, यहाँ के लोगों का यह कहना है कि माइनॉरिटी में मर्द को टिकट दी जाए, तो आप एक माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट होते हुए आपका भी कुछ रोल होना चाहिए ना? हमारा जो रोल करना है, हम लोग हर रोज हर मोहल्ले में हर जगह बैठ के उस चल से बात करते हैं। खासकर हमारे मसले मसाइल जो है अखबारों में और टीवी में नहीं आते हैं, क्योंकि ये सब ठीक नहीं है। हमारा मामला, छोटा मामला भी अगर हम लोगों की तरफ से मैदान में आया तो उससे ज़्यादा वो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पर MIM वालों की तकरीरें, लोगों को, हमारे कौम को फ़ायदा है उससे? वो जितनी जोर तकरीर करेंगे उतनी गैर कौमी मुत्तहद हो रही है, वो जितनी ज़ोरदार तकरीरें करेंगे उतने कौम दूसरे कौम मुत्तहद, इससे फ़ायदा नहीं है। अगर उसके बदले तुम ज़मीनी सतह पर उनका काम करो कौम का, तब जाके कुछ फ़ायदा होगा। ज़मीनी सतह का काम इतना ही है कि फ़िरका परस्त तकत घराने के लिए इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। और हमको हर मसले, जब जब भी मसले उठे हैं, मैं यहाँ का भी जो दरगाह का मामला उठा था, उस वक्त भी मैं यहाँ के कमरुल इस्लाम के घर में वकीलों को बुला के मीटिंग करके गया था। उसके बाद ये इसका जो हिजाब का मामला आया, मैं उड़ीपी को जाके कम से कम 2 दिन वहाँ रो के वहाँ के तमाम लीडरों को बुला के बात करके ये मसले को हल करो, इधर ही ख़त्म करो बोल के बात करके आया था। लेकिन इसमें SDP वाले वो बच्चे जो हैं, उन्होंने जाकर कोर्ट को चले गए, जाने के बाद वो हमारे हाथ से निकल गया। इसके आपकी मीटिंग में कई माइनॉरिटीज़ के मुद्दे पर शख्सियत यहाँ पर मौजूद थे, तमाम लोग MLA से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो इनसे कैसे, किस तरह से आप लोग नहीं MLA से नाराज़ होने का मतलब ये तज है, गवर्नमेंट हमारी नहीं है। तुम्हें अगर यहाँ जेंट्स भी अगर MLA होता तो काम नहीं कर सकते। डेवलपमेंट की बात, ये डेवलपमेंट के काम की बात ये चल रही है, जो माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, हिजाब का मसला है, हलाल कट का मसला है, झटका कट का मसला है, 10 बार 10 मीटिंगों में कनिष फातिमा
हमारे तमाम मुस्लिम MLAs MLCs की मीटिंग में बैठी है और हर बार उन्होंने औरतों को लेके पांच आदमी कमेटी बना के जाके आए हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हम लोग। हम TV को जाके ODP को जाके हिजाब के मामले में बात करके आया बोले तो उसे और एक जरा उन्होंने कलर देते। उसके बदले मैं DC ऑफिस कुछ गया, SP ऑफिस को गया, उनसे रिक्वेस्ट करा, प्रिंसिपल को अपने पास गया जाकर उनसे रिक्वेस्ट करा। मैं इनको भी है ना हमारे औरत बच्चे जो हमारी एक औरतों की कमेटी बनाई थी MLAs की उन्होंने भी जाको है, लेकिन ये सब अखबार में TV में नहीं दे सकते हैं। जिस तरीके से कर रहा है उस तरीके से कर रहा है। TV की बात नहीं चल रही सर, यहाँ पर मस्जिद से लाउड स्पीकर निकालने के लिए कई फिरका परस्त ताकतें चैलेंज कर चुके हैं, वहाँ पर मीडिया में तो छोड़िए मैडम, वहाँ पर आकर जो कौम परेशान थी उनसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। जब हिजाब का मसला आता है स्कूलों में बच्चियों का, जब हिजाब खींचा जाता है तो वहाँ मैडम जाकर रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। तमाम ऐसे कई इश्यूज हैं जो कौम के सामने हैं, लोग नाराज़ हैं मैडम। मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर अजान का मामला आया तो आप क्या करेंगे? नहीं, रिप्रेजेंटेटिव हमने भेजा है, आप ही रिप्रेजेंटेटिव बोल के समझो। रिप्रेजेंटेटिव नहीं, नहीं इसमें क्या है, इसमें देखिए जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर देखो फिरका परस्त ताकत जो है वो करना बोल के कर रहे हैं बोले तो तुम लोग करते क्या है भाई? उसको निकालने की कोशिश करो ना, उसकी तुम ये करो उसकी जद्दोजहद करके उनको निकालो, तब जाके मसले हल होते हैं। तुम उनको रहते हुआ तुम इन्होंने कौन बोले तभी तुम्हें वो मामले में हल नहीं कर सकते। तुम अगर खरगे साहब भी जाके तुम क्यों ऐसा कर रहे बोले तो नहीं, और जरा उनको ज्यादा करते हो इसके वास्ते। आखिरी सवाल ये है कि आवाम कांग्रेस के कई लोग जो नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से डील करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे तो यहाँ पे हमारी कौम में कोई नाराजगी नजर तो नहीं आ रही है, हमारी कौम परेशान है, बहुत मुश्किल में है, इसमें कश्मकश में है, लेकिन इसका मसला नाराजगी नहीं है। इसका मसले का हल कैसे तरीके से करना है ये हर मोहल्ले में, हर मस्जिद में, हर खानखा में, हर मदरसे में बैठ के मशवरा करके ये मसले का हल निकालना। हमारा आखिरी सवाल ये है कि पिछली बार 5 से 6 हज़ार सीट कांग्रेस थी यहाँ बचा ली थी, माइनॉरिटी सीट बच गई थी, इस बार अगर कोई और दावेदार आते हैं, अगर फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी आते हैं, MIM भी इस बार अपना कैंडिडेट फील्ड करने वाली, इस तरह की बात चल रही है, तो क्या लगता है सर माइनॉरिटी सीट बचेगी? आम आदमी पार्टी भी अब आ चुकी है, तो माइनॉरिटी सीट बचाना कितना मुश्किल है? कुछ ना मुश्किल कुछ नहीं है, गुलबर्गा के मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि ये सीट को कैसा निकालना है, वो निकालेंगे, क्या भी इसमें परेशानी नहीं है। पिछली बार भी MIM खड़ा करे थे, अगली बार भी खड़ा करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। MIM का पूरा भांडा फूट गया है, UP में पूरा ख़त्म हो गई, पूरी 130-140 सीटों में डिपॉजिट गया है उनका। अब उसके ऊपर भी बेशर्मी से आके यहाँ खड़ते हैं बोले तो यहाँ भी डिपॉजिट जाता है, लेकिन इतना क्या है, लोगों की जो नाराज़गी है, यहाँ के लीडर क़यादत में जो हैं उनके पास बैठ के बात करके मसले का हल निकालना बस। अब गुलबर्गे के जो हालात के हिसाब से, जो माशरे के हिसाब से और जो मुसलमानों की क़यादत के हिसाब से हमारे गुलबर्गे के लिए ज़रूरी और अशद ज़रूरी है एक मर्द की क़यादत ज़रूरी है, जो हमारे अच्छे या बुरे वक्त में रात और दिन जब भी हमको ज़रूरत पड़ी, रात हो या दिन हो या हमारे कुछ मुश्किलात हो या हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हो, उस सूरत में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मर्द की क़यादत होना ज़रूरी, और वो मर्द की क़यादत ऐसी ज़रूरी है जो हमारे लिए हर टाइम हर बार हमारा साथ दे सके, हमारे अच्छे बुरे में हमारी मिल्लत के लिए काम कर सके और मिल्लत का सपोर्ट कर सके और मिल्लत के काम आए वो लोग। ऐसी मर्द की क़यादत हमें बहुत ज़रूरी है, और मर्द की क़यादत ज़रूरी के अशद ज़रूरी है हमारे गुलबर्गे के लिए और नार्थ के लिए, ख़ासकर नार्थ और साउथ में भी है। हम इंशाल्लाह अगर मर्द की क़यादत करें तो हमारा पूरा जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं दिलो जान से मेहनत करके मर्द की क़यादत जो भी मर्द को देंगे हम उनको अच्छे मार्जिन से जिताने की कोशिश करेंगे। आज जो गुलबर्गा के फ़िलहाल हालात हैं, इसके लिए जो है हमें एक MLA ऐसा चाहिए रिप्रेजेंट जो हर वक्त हम कौम के लिए जो मिली मसाइल के लिए पेश आए, ना कि जो है ना जब मिलत को लीडर की ज़रूरत है हम बेंगलुरु में हैं हैदराबाद में हैं बोले तेरे बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, क़यादत मर्द की होती है, औरत की क़यादत ही नहीं रहती, मर्द की क़यादत रहती है। हम कांग्रेस हाईकमांड से गुजारिश करते हैं, जितने भी आए हैं सब जनों की तरफ से, थोड़े लोग बोल नहीं सकते इसमें से, पार्टी के खिलाफ उन्होंने बोलना नहीं चाहते, डर डर के रहते हैं पार्टी में, लेकिन हम खुल के बोलना चाह रहे हैं जो है ए इलियास सीट को जो अगर टिकट देंगे तो इंशाल्लाह गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में और सीटों को भी इफेक्ट होगा इसका, इससे कांग्रेस को फ़ायदा भी होगा,
सीट को अगर टिकट नहीं देंगे तो इसका नुकसान पार्टी को जो है ना दूसरे तालुका वाइज में भी जो है ना कांग्रेस को इसका नुकसान होगा।